Hello students, so we'll understand this question now. A force F is equals to I cap plus 2j cap minus k cap newton moves a particle along the vector S equal to 4i cap plus j cap plus 7k cap meter. What is the work done in this case? Okay, so let's write down the given things. Firstly, we have been given that jo force laga hai wo hai I cap plus 2j cap माइनस के कैप एंड जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है 4i कैप प्लस j कैप प्लस 7k कैप. हमें क्या निकालना है, हमें पता करना है इस केस में वर्क कितना हुआ है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क. ओके, सो लेट्स डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस. हमें पता है कि वर्क जो होता है वो F डॉट S, F डॉट S के बराबर आता है. ठीक है, अगर ये F डॉट S के बराबर है तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू, F की वैल्यू रखिए I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप डॉट S की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे 4I कैप प्लस J कैप प्लस 7K कैप और इसको हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे. हम डॉट प्रोडक्ट जानते हैं कि आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे और के को के से मल्टीप्लाई करेंगे. तो आई का कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पर, यहाँ पे 4 है, 4 प्लस 2 इंटू 1 इज 1 माइनस हियर इट इज प्लस हियर इट इज माइनस 1 एंड हियर इट इज 7. सो दिस विल गिव मी 4 प्लस 2 माइनस 7 which is equal to minus 1 joule. Okay, so if this is the scenario, then work then will be equal to minus 1 joule. This is our final answer. Thank you.